हेलो फ्रेंड्स एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आप पेनियर बाय रिटेलर है, पेनियर बाय पोर्टल से पैसे को निकालना, पैसे को जमा करना, पैसे को ट्रांसफ़र करना, मोबाइल रिचार्ज करना, इलेक्ट्रिक बिल भरना, इन सारे सर्विस में आप काम करते हैं दोस्तों, तो पेनियर बाय पोर्टल से अगर आपको कम पैसे की कमीशन मिलता है, यानी आपको थोड़ा बहुत कमीशन मिलता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन कमाना चाहते हैं दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों, आपको सब कुछ डिटेल्स में पता चल जाएगा किस तरह से और कौन सी स्टेप आपको फॉलो करने होंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन कमा पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा। क्योंकि आप जितने भी कस्टमर को अपना सर्विस प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों, उसी से आपका कमीशन आता है, उसी से आपका मुनाफा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक स्टेप फॉलो करने से ज़्यादा कमीशन मिलेगा। तो कौन सा स्टेप है, तो किस तरह से आपको फॉलो करने होंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए दोस्तों, आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको पेनियर बाय पोर्टल ऐप ओपन कर लेना है अपना मोबाइल फ़ोन से। ओपन करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे मिल जाएगा, नीचे में आ जाना है। सबसे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है उद्यम रजिस्ट्रेशन। ये उद्यम रजिस्ट्रेशन करने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, आपको डिटेल्स में आपको दिखाएंगे। अगर आपको लोन लेना है दोस्तों, तो ये अगर ये उद्यम रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट कर लेंगे दोस्तों, तो आपको कम से कम टाइमों के अंतर्गत आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स ना रहते हुए भी आपको आपका लोन मिल जाएगा दोस्तों। आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। सब्सिडी का ऑप्शन देख सकते हो दोस्तों आप। सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा, सब्सिडी ऑन बैंक इंटरेस्ट, यानी आप किसी भी बैंक में जाएंगे दोस्तों, कोई भी सब्सिडी लेने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी मिलेगा दोस्तों। आप यहाँ पे देख पाएंगे तो डिस्काउंट का मतलब दोस्तों, आप अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करते हैं दोस्तों, बिल पेमेंट का काम करेंगे दोस्तों, तो सारा कुछ बिल पेमेंट का ऑप्शन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिलेंगे। आप कस्टमर को सर्विस तो प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों, उसी के अंतर्गत आपको डिस्काउंट ज़्यादा मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, नो कलेक्शन, यानी आपको लोन लेने के लिए किसी भी बैंक के अंदर जाएंगे, वहाँ पे आपके कम से कम डॉक्यूमेंट के रिक्वायर्ड होंगे और आपको लोन अप्रूव मिल जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, प्रोजेक्ट एग्रीमेंट, डिलीवरी पेमेंट, सब्सिडी इसको भी मिलेंगे, और ये भी आप देख सकते हैं दोस्तों। इन सारे सर्विस में आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो। उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक पेनियर बाय रिटेलर कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना होता है। सबसे पहले आपके पास तो पैन कार्ड होंगे और आधार कार्ड होंगे, तो आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होना बेहद ज़रूरी होता है उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर जो EKYC कम्प्लीट होंगे दोस्तों, तो आपको आधार OTP के थ्रू EKYC कम्प्लीट हो जाता है। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले जैसे इस तरह से पेज निकल के आएगा, सबसे फास्ट में आपको यहाँ पे आपका आधार कार्ड का नंबर डाल देना, एंड आपको आधार एज पर नाम, यानी आधार कार्ड में जो भी नाम होंगे दोस्तों, सही तो सही और गलत हो तो गलत, आधार कार्ड के थ्रू जो भी नाम होंगे वो आपको सही तरह से डालना है। डालने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है वैलिडेट एंड जनरेट OTP का ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जनरेट OTP में जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपको आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा दोस्तों, तो आपको लास्ट का 4 डिजिट आपको यहाँ पे नज़र आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो, आपका OTP डालने के लिए बोला जा रहा है। जैसे OTP कलेक्ट होगा दोस्तों, वो OTP आपको यहाँ पे डालना होगा। चलिए देख लेते हैं OTP कितना टाइम से आएगा। तो OTP जब तक नहीं आता है दोस्तों, तब तक थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। वैलेट का ऑप्शन में क्लिक करते ही आपको ठीक इस तरह से फिर और एक पेज खोल के आएगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, योर आधार हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, यू कैन बी कंटिन्यू उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यानी आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे आ जाना है, एंड आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है ऑर्गेनाइजेशन टाइप, आपको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत काम करते हैं, तो आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है दोस्तों। जो भी आपका ऑर्गेनाइज्ड होगा वो आपको अच्छी से डिटेल्स में चेक कर लेना है। अगर आप कोई ऑर्गेनाइज के थ्रू आप काम नहीं करते दोस्तों, सेल्फ एम्प्लॉय है दोस्तों, तो आप कोई काम नहीं करते, अपना खुद सा बिजनेस है, आप ये इस तरह से काम कर सकते हो, उसके लिए आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों, आपको नीचे में आपको मिल जाता है आदर्श, जस्ट आपको आदर्श में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको तो पास जो पैन कार्ड है दोस्तों, वो पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे डालने होंगे। डालने के बाद आपको पैन वैलिडेट का ऑप्शन एक बार क्लिक कर देना है।
में क्लिक करने से पहले आपको फिर से नीचे आ जाना है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं दोस्तों, उद्यम रजिस्ट्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे एक वीडियो का लिंक मिलेगा दोस्तों, एक वीडियो मिलेगा, वो वीडियो जाके वॉच कर सकते हैं। और udyamregistration.com.gov.in पर जाके आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट भी कर सकते हैं। ऑप्शन में क्लिक कर देना है एंड जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आप यहाँ पर देख पाएंगे योर पैन नंबर हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, यानी आपका पैन कार्ड वेरीफाइड हो चुका है। सो फिल द फॉर्म विल बी डिसेबल फाइल हुज ऑटो फिल ऑटो क्वालिफाइड GST एंड इस तरह से आपको इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास GST होंगे दोस्तों तो GST के नंबर भी आप डाल सकते हैं। उसके लिए आपको कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक कर देना है एंड जैसे कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों सारा कुछ डिटेल्स में इसको पढ़ सकते हैं। एंड इसको अच्छी तरह से पढ़ने के बाद आपको डिटेल यहाँ पे आपका चयन कर लेना है, आपका कास्ट चयन कर लेना है एंड आपको यहाँ पे आपका इंटरप्राइज का नाम दे देना है, यूनिट दे देना है, कितना यूनिट लोग आपका अंतर्गत काम करता है, सारा कुछ डिटेल्स में आप इसको डाल के उद्यम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम आता है दोस्तों तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको हेल्पफुल कर देंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लंबा हो जाएंगे। तो वीडियो को देखने के बाद आप नफा कमाने के लिए पेनियर बाय रिटेलर आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा, ये न्यूज़ आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी आपको पेनियर बाय रिलेटेड नए नए अपडेट इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए।